जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, राज्यपाल आदरणीय विश्वभूषण हरिचंदन जी, केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, आदरणीय टीएस सिंहदेव जी, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, नारायण चंदेल जी, अरुण साहू जी, सांसद सुनील सोनी जी और सभी उपस्थित देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी आज एक दिवसीय दौरे में हमारे छत्तीसगढ़ में आए हैं। छत्तीसगढ़ के धरा में उनका स्वागत है। भगवान राम के ननिहाल और माता कौशल्या की नगरी में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। सभी अतिथियों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री जी से हम लोग अनेक मंचों में मिलते रहे हैं और छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में मिलके भी, नीति आयोग में भी, निवास कार्यालय में और कभी पत्राचार के माध्यम से यहाँ के विकास के बारे में हम लोग मांग करते रहे हैं। मैं उन मांगों को और दोहराना नहीं चाहता। आदरणीय केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री गडकरी जी के साथ अनेक बार बैठकें हुई है और मुझे खुशी है, हम लोग जितना मांगते हैं उसे ज़्यादा ही दे देते हैं। तो आदरणीय गडकरी जी का भी स्वागत। और केंद्र राज्य के संबंध के आधार पर लगातार हम लोग तो मांगते रहेंगे, केंद्र सरकार से जितनी आवश्यकता होती है उसे मांग करते रहते हैं। मैं उन सब को और ज़्यादा न कहते हुए केवल यही कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में लगातार विकास की गति में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र से हमेशा अपेक्षा रहेगी कि हमको, क्योंकि हमारा राज्य नवोदित राज्य है, ज़्यादा से ज़्यादा राशि हमको छत्तीसगढ़ को मिले, यही मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। पुनः प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय मंत्रियों का और सभी राज्यपाल सहित हमारे जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए अपनी वाणी के यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़।